हे hey guys, वेलकम और वेलकम बैक टू my चैनल इफ़ यू न्यू here, my name is सोनिया सो वेलकम टू my चैनल एंड uh, आज हम शूट करेंगे अपना ब्लॉग एंड uh, अभी अभी uh, मैं वीडियो शूट करके नीचे आई हूँ एंड अब मैं करूँगी अपना किचन का काम एंड उससे पहले करेंगे क्रिसमस ट्री को ऑन एंड जो भी मेरी क्रिसमस डेकोरेशन है उसको ऑन करेंगे लाइट्स को ऑन करेंगे एक्चुअली एंड उससे क्या होता है बहुत अच्छे से वर्क करने को दिल करता है चलो उसको करते हैं एंड मुझे थोड़ी सी ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज करनी है पहले लाइट्स ऑन करते हैं ना हे गुगो कैन यू टर्न क्रिसमस लाइट्स ऑन सी उसने टू लाइट्स ऑन कर दी है एंड ये स्मार्ट uh, प्लग था जो मैंने आपके साथ शेयर किया था जो मैंने कॉस्को से लिया था दो प्लग मैं यूज़ रही हूँ दोनों स्मार्ट प्लग्स हैं एंड मुझे गुड डील में मिले थे ओनली ट्वेंटी डॉलर फ्रॉम कॉस्को एंड वो गूगल से कनेक्ट हो जाते हैं एंड गूगल को ही आपको बोलना होता है कि गूगल के क्रिसमस लाइट्स को ऑन कर दो सो उसने मेरे लिए क्रिसमस लाइट्स ऑन कर दिए एंड आप देख सकते हो मेरा क्रिसमस ट्री कितना अच्छा लग रहा है कितना प्यारा लग रहा है एंड And... ओके okay, मैं मैंने कल कॉस्को से ग्रॉसरी की थी उस ग्रॉसरी को पहले मैं ऑर्गेनाइज करूँगी एंड मैंने उसको अभी तक लिए नहीं रखा क्योंकि मैं उसे क्लीन करती हूँ विनेगर से सो वो थोड़ा वेट होता है सो मैं उसे ड्राई करने के लिए रहने देती हूँ एंड uh, अब वो ड्राई हो चुकी है अब मैं ऑर्गेनाइज करूँगी एंड अगर आपने मेरा ब्लॉग नहीं देखा कि मैंने कॉस्टो से क्या किया लिया और क्लिक ऑन अ टॉप टू वॉच डेट वीडियो हाँ uh, न्यू चीजें मिली थी एंड वो uh, बो मुझे बहुत अच्छी लगी एंड हसबेंड ने मुझे कुछ लेकर भी दिया था वहाँ से आई एम सो हैप्पी ओके सो अब मैं क्या करूँगी बहुत खिलारा पड़ा हुआ ग्रॉसरी का जब तक ग्रॉसरी पैनेट्री में नहीं जाती मुझे अच्छा नहीं लगता So, चलो ग्रोसरी को रखती हूँ फिर मैं कुकिंग करूँगी कुकिंग आपके साथ शेयर करूंगी क्या बनाते हैं आज कुकिंग में फर्स्ट देखती हूँ ओके okay? चलो पहले करते हैं थोड़ा सा काम ये सारी ग्रोसरी है आ, मैंने इसे लाइक बाइप करके रखा था ये ड्राई हो चुकी है ओके okay, गाइस ये सारी ग्रोसरी मैं ऑर्गेनाइज करूँगी एंड चलो करते हैं काम एंड पैनेट्री में जो जो चीज है रिफिल करने वाली है उसको रिफिल कर दूंगी चलो पैनेट्री में सो so, ये है मेरी पैनेट्री एंड पैनेट्री भी थोड़ी गंदी हो चुकी है एंड एक्चुअली uh, मैंने पैनेट्री को ऑर्गेनाइज किया था एंड मैंने वो वीडियो शेयर की है एंड आप देख सकते हो कि मैं पेनेट्री को कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ अगर आपके पास छोटी पैनेट्री है तो बहुत हेल्प होगी आपके क्लिक ऑन टॉप टू वॉच दैट वीडियो आज मैं क्या करूँगी थोड़ा सा इसे क्लीन कर लूँगी एंड जो मुझे रिफिल करना है लाइक like मैंने वॉलट्स लिए थे वॉलट्स इसमें रिफ़िल करूँगी एंड और बहुत सारी चीज़ें चलो करते हैं ठीक है ना तो मेरा हमेशा क्लीन रहता है जो क्योंकि मैंने सारा कुछ ऑर्गेनाइज किया हुआ है एंड ये भी ऑर्गेनाइज़र मैंने आपके साथ शेयर किए थे सो सारा कुछ मैंने इन ऑर्गेनाइज़र में ही रखा है सो मुझे इजी टू रिफिल करना होता है बस सो मेन मेरा गंद जहाँ होता है वो भी सिर्फ एक या दो दिन के लिए क्योंकि जब मेरे घर में न्यू चीज़ आती है इन लाइक क्वांटिटी में आ जाती है ग्रॉसरी में कोई न्यू चीज़ हमने ट्राई करनी होती है उसे फिर मैं न्यू जगह उसके लिए बनानी होती है ऑफ़कोर्स उसका घर नहीं होता राइट right? सो so, इसीलिए थोड़ा सा वो गंदा हो जाता है बास्केट इसीलिए मैंने बास्केट्स रखी हैं सो so, अगर कुछ भी नया होता है तो मैं उसे एक बास्केट में रख लेती हूँ जब मेरे पास टाइम होता है तब मैं उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करती हूँ एंड अच्छे से उसका घर बना देती हूँ या अगर आपके पास टाइम ना हो आपने कोई न्यू चीज़ ले ली ग्रोसरी में आप ट्राई करना चाहते हो तो जब आप घर लेकर आते हो ऐसे ही मत फेंक दें नो सो उसे क्या करें एक बास्केट बना लें बास्केट में रखें अगर आपके पास टाइम है तो राइट वे उसका घर बना दें अगर टाइम नहीं है तो एक बास्केट में रख लें जब टाइम हो तो उसे ऑर्गेनाइज कर लें तो अब मैं ऐसा ही करूँगी कुछ आ, मेरे पास ग्रॉसरी है जो लाइक ज़्यादा क्वांटिटी में आ गई है उसे मैं ऑर्गेनाइज करूँगी ये तो हमेशा ऑर्गेनाइज रहता है ये ऑर्गेनाइज हो चुका है अब मैं नीचे करूंगी फार so मैंने क्लीन कर दिया है मैं इतना हैप्पी तो नहीं हूँ बट अब मुझे कुकिंग भी करनी है सो so, आज के लिए इतना ही रहने देती हूँ एंड uh, मैंने एक बास्केट रखी है जिसमें वो चीज़ें हैं जो मैंने अभी ऑर्गेनाइज नहीं की हैं। जब आपके पास टाइम हो तब रखें राइट सो अब मैं क्या करूँगी अच्छे से आ, जो मैंने फ्रूट फ्रूट्स वॉश किए हुए हैं उन्हें रख देती हूँ एंड ये सब हो चुका है अब मैं करूँगी कुकिंग मैं आपको क्विक व्यू देती हूँ कि कैसे मैंने क्लीन किया इसे एंड अभी भी मैं हैप्पी नहीं हूँ क्योंकि बहुत सी बड़ी बड़ी चीज़ें आ गई हैं जो मुझे सेट करनी है मैं इस एरिया से हैप्पी नहीं हूँ सो इसको दोबारा करूँगी या yeah, एंड जहाँ थोड़ी चीज़ें रिफिल करनी है जहाँ भी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने ऑर्गेनाइज कर दी है जी मैंने मेरेरा सॉस ली थी या yeah, ये भी डन हो चुका है सारा फ्रूट रख दिया एंड फ्रूट मैं हमेशा बाहर ही रखती हूँ फ्रिज में नहीं रखती क्योंकि सुबह सुबह खाना होता है फिर ठंडा ठंडा लगता है एंड ये मैंगोज़ मैंगोज़ विंटर में नहीं अच्छे लगते समर में ही अच्छे लगते हैं फ्रूट्स हो गए गाइस ये मैंने ग्रेप फ्रूट लिया था कॉस्को से इसमें मैं रखती हूँ सिक्स या सेवन तक रखती हूँ ये तीन ही फिट हो रहे हैं बहुत बड़े 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 एंड या फ्रूट मैं बाहर ही रखती हूँ क्योंकि सुबह का जो कोई खाना होता है फिर ठंडा ठंडा अच्छा नहीं लगता सो so फ्रूट मेरा हमेशा बाहर रहता है फ्रूट हो गया सारा क्लीन हो गया अब मैं करूँगी थोड़ा सा कुकिंग जस्ट डे ब्लॉग में आपने देखा होगा मैंने कॉस्को से जो लंबी लंबी रेड कलर की पेपर्स ली थी अब मैं इसे बनाऊंगी आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ कैसे बनाती हूँ इसे फर्स्ट इसे अच्छे से वॉश कर लें नाव इस में इसमें कट लगाऊंगी। आप इसे हाफ़ भी कर सकते हो अगर बहुत लंबी लग रही है आपको बट मैंने इसको ऐसे ही लंबा रखा जस्ट मिडल में कट लगा दिया एंड आप ऐसे इसके जो सीड्स होते हैं वो अंदर से निकाल सकते हो हाथ से ही एंड सीड्स को क्लीन करके फिर अब हम बनाएंगे इसकी फिलिंग की फिलिंग के लिए मैं यूज कर रही हूं अनियन जिंजर गार्ल चॉप्ड करके एंड बॉइल्ड पोटैटो को मैंने स्मॉल पीसेस में कट कर लिया है एंड एक तरफ आप देख सकते हैं प्रेशर कुकर इसका मतलब है कुछ ना कुछ मल्टीटास्क होने वाला है या yeah, इसमें मैं दाल बनाऊंगी ऐसा कभी नहीं होता कि मैं मल्टीटास्क वर्क ना करूं जे मेरी आदत है शुरू से एंड अदर साइड मैं मस्टर्ड सीड यूज़ कर रही हूँ ऑयल में एंड पैन में ऐड कर दिया है उसे एंड दूसरी तरफ मैं जो दाल बना रही हूँ उसमें मैंने जीरा ऐड कर दिया एंड मस्टर्ड सीड के बाद मैंने जीरा इसमें भी ऐड किया एंड ड्राई है ये धनिया जो कॉरिअर सीड्स होते हैं उसे मैंने थोड़ा सा क्रश करके हाथ से ही ऐड कर दिया है एंड फिर मैंने जिंजर गार्लिक जो हमने चॉप किया हुआ था उसे ऐड कर दिया उसे अच्छे से पकाएंगे एंड नेक्स्ट जो मैं दाल बना रही हूँ उसमें मैंने जो क्रश्ड अनियन किया था वो भी मैंने इसमें डाल दिया वो तड़का आहिस्ता आहिस्ा भून जाएगा दोनों तरफ मैं ध्यान देती रहती हूँ एंड गाइज अगर आपसे मल्टी टास्क वर्क नहीं होता तो ना करें आपको यूज़ टू होना पड़ता है इन चीज़ों के लिए जब आप सीख जाते हो तब कर पाते हो अगर नहीं होता तो मत करें एंड आपकी नहीं तो रोइन हो सकती है थिंक एंड uh, इसके बाद मैंने इसमें अनियन को ऐड किया वो पक रहे हैं एंड दूसरी तरफ मेरा जो आ, तड़का है दाल के लिए वो भी मैं चेक कर रही हूँ अच्छे से पक रहा है एंड दोनों चीज़ों साथ साथ में करने के लिए जो मुझे मज़ा आता है ना वो मैं आपको बता नहीं सकती अब फिलिंग के लिए मैंने पीस एंड कैरेट्स को भी ऐड किया है यहाँ आप कुछ भी ऐड कर सकते हो जो भी आपकी चॉइस ऑफ वेजिटेबल्स है उसे ऐड कर लें एंड उसको पकाना है अभी अच्छे से दाल भी अच्छे से बन रही है एंड तड़का अच्छे से बन चुका है इसमें अब मैं ऐड करूँगी टमेटोज़ सो so, टमेटोज आप प्योरे भी ऐड कर सकते हो एंड सॉस भी ऐड कर सकते हो जो मैंने आपको बनाना सिखाई थी है ना अगर नहीं देखे अभी तक तो, तो क्लिक ऑन टॉप टू वॉच दैट वीडियो कि आप टमेटो सॉस घर में कैसे बना सकते हो एंड अदर साइड जो फिलिंग रेडी हो रही है वो पक रही हैं सभी जो हमने पीस एंड कैरेट्स ऐड किए थे उसे अच्छे से पकाना है देन हम ऐड करेंगे स्पाइसेस हम इसमें ऐड करूंगी हाफ टी स्पून ऑफ़ टर्मरिक कलर के लिए एंड हाफ़ टी स्पून ऑफ रेड चिली आप ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हो बट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट जितना भी स्पाइसी चाहते हो हाफ टी स्पून ऑफ चाट मसाला हाफ टी स्पून ऑफ गरम मसाला अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट जितना भी आपको चाहिए एंड uh, इसमें नेक्स्ट मैं ऐड करूँगी ट्राई मेठी लीव्स इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है एंड फीलिंग बहुत अच्छी बनती है एंड फिर इन सब स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लें एंड नेक्स्ट मिक्स करने के बाद मैं इसमें बॉयल्ड ऐड कर रही हूँ जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था नेक्स्ट मैं दाल तड़का में स्पाइसेस को ऐड करूँगी तड़का अच्छे से हो गया है इसमें मैं हाफ़ टी स्पून ऑफ़ टर्मरिक हाफ़ टी स्पून ऑफ़ रेड चिली आप ग्रीन भी ऐड कर सकते हो एंड हाफ़ टी स्पून ऑफ़ गर्म मसाला एंड लिटिल विथ चाट मसाला इससे थोड़ा सा खट्टा टेस्ट आता है एंड हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट एंड इसे अच्छे से मिक्स कर लें एंड अदर साइड जो हमारे पोटैटोज़ हैं वो अच्छे से बन रहे हैं जब उसमें थोड़ा सा मसाला ऐसे मिक्स हो जाता है तब मैं उसे थोड़ा सा स्मैश करूँगी इसे मिक्स करते रहें एंड स्मैश करते रहें एंड नाउ मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड फिर उसे अच्छे से स्मैश कर लें एंड हिलाते रहें मिक्स करते रहें ये फिलिंग अब रेडी हो चुकी है एंड दाल तड़का भी रेडी हो चुका आप देख सकते हो ऑयल निकल गया है अब मैं इसमें ऐड करूँगी दाल जे मैं आज जैलो दाल बना रही हूँ इसे मैंने अच्छे से वॉश करके के भिगो कर रख दिया था पहले एंड अब इसको मैं इसमें ऐड करूँगी एंड मसाला से कोट करूंगी जब दाल अच्छे से मसाले में कोट हो जाती है तो उसका अलग ही टेस्ट होता है इसको मैं टू मिनट तक ऐसे जैसे कोट कर लेती हूँ फिर मैं इसमें ऐड करती हूँ वाटर हम इसमें सिक्स एंड हाफ कप्स ऑफ वाटर ऐड करूंगी, एंड फिर मैं इसे अच्छे से मिक्स करके एंड फिर हम इसका लिड बंद करेंगे देन हमारी दाल अच्छे से बच जाएगी टुडे मैं टी-फॉल प्रेशर कुकर यूज़ रही हूँ एंड इसका लिड अच्छे से बंद कर दूँगी कुकिंग साइड उसे ऑन कर दूँगी एंड रेड बटन की वेट करूँगी जो प्रेशर का बटन है इसे हमेशा मैं मैक्स पर बनाती हूँ एंड जब वो प्रेशर बटन ऊपर आ जाएगा तब मैं इसका टाइम सेट करूंगी फ़ॉर थर्टीन मिनट्स नाउ प्रेशर बटन अप हो गया नाउ सेट कर दें टाइम फॉर थर्टीन मिनट्स अगर आप देखना चाहते हो इस प्रेशर कुकर को कैसे यूज़ करना है एंड मैंने थ्री फोर रेसिपी शेयर की है कितना वो वाटर लेती है कितना टाइम लेती है पकने में अगर वो वीडियो देखना चाहते हो तो क्लिक ऑन अ टॉप टू वॉच दैट वीडियो और यू कैन चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो उसमें मैंने सारी इंफॉर्मेशन दी है कि कैसे आप इस प्रेशर कुकर को यूज़ कर सकते हो नेक्स्ट हमारी फिलिंग भी रेडी हो गई है दाल भी बन रही है अब स्टोव को बंद कर दें इसे ठंडे होने को रख दें जब ठंडी हो जाएगी फिर हम इसे फिल करेंगे अब ये अच्छे से ठंडी हो चुकी है अब मैं इसे फिल करूँगी एंड uh, आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हो ज़्यादा कम एंड uh, अच्छे से फिल करके फिर हम इसे फ्राई करेंगे परस को मैंने फ़िल कर लिया है आप इसे हाफ में भी कट करके फ़िल कर सकते हो एंड दाल बन रही है स्टीम आ रही है आप देख सकते हो एंड सेम पैन में यूज़ करी उसमें मैंने ऑयल ऐड किया एंड इसे मैं शालो फ्राई करूँगी नॉट अ डीप फ्राई एंड फिर इसमें रख कर आप इसे थोड़ी देर बाद इसे टर्न करते रहें लाइक सारी तरह से इसको हीट मिलनी चाहिए एंड थोड़ा मैं इसमें पकाऊंगी बाद में मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या करती हूँ थोड़ा सा लाइक इसे पकाना है पैन में एंड आप इसे ऐसे चेंज करते रहें इनकी साइड्स के वो अच्छी तरह पक जाएं। एंड अब फिर मेरा मल्टी टास्क वर्क शुरू हो गया जब तक वो सब्जी एंड दाल बन रही है तब तक मैं क्या करती हूँ जो भी मैंने बर्तन गंदे किए हैं जो भी मेरी स्पाइसेस जाने वाली है सभी को मैं बैक रखती हूँ एंड उससे क्या होता है आपका हाफ़ काम फिनिश हो जाता है हाफ क्या सारा ही काम फ़िनिश हो जाता है जब आप ऐसे करते हो एंड मैंने पहले ही आपको बोला है अगर आपको मल्टीटास्क वर्क करना नहीं अच्छा लगता हार्ड लगता है मत करें बट मैं ये कहूँगी कि सीखें जब आप ऐसा करते हैं तो आपका बहुत जल्दी काम फिनिश हो जाता है सो so, अपने आप को हार्ड मत करें लाइक like, तंग मत करें ऐसा ऐसा करें सीखें कि मल्टीटास्क वर्क कैसे हो सो so, अब मेरी सारी चीज़ें ये क्लीन हो रही हैं साथ साथ में जस्ट मुझे बाद में जस्ट कुकिंग पर ही ध्यान देना है जो भी मेरे बर्तन हैं वो अच्छे से सिंक में चले जाएंगे एंड आज तो मैं आ, डिश को वॉश नहीं करूँगी डिश वॉशर में रख रही हूँ साथ साथ में एंड जो भी आ, मेरी चीज़ें हैं उनको अपनी जगह पचा दूँगी एंड क्लीन कर दूँगी आप देख सकते हो अच्छे से क्लीन हो रहा है सारा कुछ जा रहा है अपनी अपनी जगह पर एंड वेजिटेबल्स भी बन रही हैं सब्जी बन रही है सारा कुछ हो रहा है किचन मेरी साथ साथ में क्लीन हो जाती है एंड अब मैं क्या करूँगी इसे फ्लिप करूँगी साइड्स पर इसकी साइड चेंज कर दूँगी वेजिटेबल्स की एंड दाल का टाइमर ऑन है स्टिल वो मैंने गूगल पर सेट किया हुआ है गूगल टाइमर पर जब वो बोल देगा उसका भी मैं स्टोव जो है वो बंद कर दूंगी एंड इसे आप बस इसकी साइड चेंज करनी है थोड़ा कम ही पकाना है मुझे यहाँ पर फिर मैं इसे बताऊँगी कि क्या करना है आप देख सकते हो कि गूगल ने बोल दिया है कि टाइमर हो चुका है मैंने स्टोव को बंद कर दिया है एंड गूगल को ऑफ कर रही हूँ थैंक यू कर रही हूँ एक्चुअली हमेशा मेरा साथ देता है एंड दाल है एंड yeah. जे भी फ्राई हो चुकी है अब मैं इसे क्या करूँगी यहाँ से निकालूंगी एंड ये थोड़ी सी अभी कच्ची है लाइक पूरी तरह नहीं पकी है अब हम इसे करेंगे ट्रांसफ़र इन अ बेकिंग ट्रे या अब मैं इसे बेक करूँगी लाइक ब्रॉयल करूँगी बेक नहीं करूँगी ब्रॉयल करूँगी इन ओवन देख सकते हो जितना ऑयल मैंने डाला था वो ऑयल स्टिल उसमें है एंड अब और इसका ऑयल निकल जाएगा जब मैं इसे ब्रॉयल करूँगी नौ मैं इसमें रख रही हूँ ओवन में एंड ब्रॉयल ऑन करूँगी लो पर एंड आहिस्ता आहस्ता वो बन जाएगी एंड दाल भी हमारी बन चुकी है जस्ट प्रेशर में है प्रेशर डाउन हो जाएगा एंड वो भी हमारी बन चुकी है एंड उसे अब मैं निकाल लूँगी बाहर जस्ट मैंने फ़ाइव मिनट्स तक ही इसे पकाया है एंड आप देख सकते हो अच्छे से वो बन चुकी है और मेरी दाल भी बन चुकी है एंड रेड बटन नीचे जाने वाला आप देख सकते हो स्टीम साइड से आ रही है इसका मतलब है कि प्रेशर रिलीज़ हो रहा है एंड रेड बटन अपने आप अप नीचे चले जाएगा जब वो रिलीज़ हो जाएगा जो बटन हमने कुकिंग साइड किया था उसे टर्न कर देंगे स्टीम आउट करने के लिए एंड फिर इसको खोलेंगे एंड हमारी दाल बन चुकी है एंड आप देख सकते हो कि इतनी अच्छी बनी है ये दाल अब इसमें देसी घी ऐड कर दें एंड एंजॉय करें अपनी दाल हम डिनर को इन्जॉय करेंगे एंड साथ में मैंने नान को ही गर्म किया है जे मैंने में नहीं बनाई अगर देखना चाहते हो कि मैं में नान कैसे बनाती हूँ देन क्लिक ऑन अ टॉप टू वॉच दैट वीडियो एंड अब आप इन्जॉय करें एंड हम भी अपना डिनर इन्जॉय करेंगे लेफ़्ट ओवर किचन को क्लीन करूंगी, डिशेस को मैंने डिश वाशर में रख दिया है वो डिश वाशर अपना काम करेंगी मैं अपना काम करूंगी एंड सारी डिशेस इसमें चली गई हैं एंड इसको मैंने बंद कर दिया है एंड अब मैं क्या करूंगी जो लेफ़्ट ओवर मेरी किचन है क्लीन करने वाली वो करूंगी, डिशेस को मैंने जो हाथ से धोना है वो धो लिया है एंड अब मैं जो गार्बेज होता है एवरी डे में क्लेक्ट करती हूँ किचन का कंपोस्ट होता है उसे मैं निकाल देती हूँ एंड इसमें ही हमेशा कलेक्ट करती हूँ एंड इसको अब मैं निकालूंगी उसे अच्छे से वॉश करती हूँ एवरी नाइट एंड उसमें जो भी स्मेल होती है सारा कुछ निकल जाता है अच्छे से उसे वॉश करें एंड फिर मैं उसे ड्राई करने के लिए ऐसे ओपन करके रख देती हूँ एंड जो मेरा एक्स्ट्रा गार्बेज है वो गराज में चला जाएगा नेक्स्ट फाइनल स्टेप मेरा होता है किचन को डीप क्लीन करना लाइक like, वैक्यूम करना इससे जब पैकिंग हो जाती है आपका सारा गंद निकल जाता है जो भी क्रम्स होते हैं वो निकल जाते हैं ये टावल मैंने ले लिया इसको मैं चेंज करूँगी एवरी डे मैं टावल को चेंज करती हूँ नाइट को ही चेंज करके चली जाती हूँ कि सेकेंड डे न्यू मिले टावल एंड मैं एक दिन छोड़ के मॉप भी कर देती हूँ आज मेरा मॉप करने का टाइम नहीं है टावल चेंज हो चुका है सब कुछ डन हो चुका है एंड जो मैंने हाथ से बर्तन धोए हैं वो अभी वेट हैं वो ड्राई हो जाएंगे देन मैं उसे रख दूँगी जब जाऊँगी एंड एट हो हैं आप देख सकते हो मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है किचन डन हो चुकी है एंड अब टाइम टू से बाय बाय किचन एंड ये मेरा नाइट रूटीन था ऐसे में करती हूँ सारा काम एंड किचन डन हो चुकी है होप यू लाइक टू डेज ब्लॉग गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो लाइक कमेंट एंड शेयर एंड इफ यू आर वॉचिंग मी फ्रॉम लॉन्ग टाइम डिड इन सब्सक्राइब जैट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल लाइक दिस वीडियो शेयर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन अनादर कमिंग वीडियो अंटिल दैन टेक केयर गाइज एंड बाय हैप्पी हॉलीडेज गाइज